इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इसमें भी हाइट यूजर से ली है, और जितनी हाइट यूजर डालेगा उतनी हाइट के लिए पैटर्न डेवलप करना है, और जितनी हाइट वो डालेगा फर्स्ट टाइम उतने ही टाइम स्टार प्रिंट करना है। तो ये तो बिल्कुल इजी है सबसे पहले, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो सबसे पहले हम इसे ही प्रिंट कराएंगे, तो ये 5 स्टार प्रिंट करने हैं, तो इस हाइट से हम प्रिंट कर सकते हैं, यानी जितनी भी हाइट है उतनी टाइम स्टार प्रिंट करने हैं। तो क्या करें, यहाँ पर हाइट मैंने पहले से ले ली है, तो सीधा लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू एच आई प्लस प्लस, ठीक है। और क्या प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट कराना है, तो प्रिंट इफ स्टार, और ये प्रिंट होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए, तो यहाँ पर दे देते हैं प्रिंट इफ स्लैश एन, ठीक है। एक बार कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, हाइट डाली मैंने 4, तो देखिए 4 टाइम स्टार आ गए, कंट्रोल भी नेक्स्ट लाइन में है, लेकिन अब 3 स्टार प्रिंट होना चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो पहले तो 4 प्रिंट हो गए, नेक्स्ट टाइम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, यानी ये 4 तक नहीं चलना चाहिए। अगर हमने एच लिख दिया तो ये 4 तक ही चलेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी ये जो चीज़ है, ये कंडीशन जो है, इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम ये 3 चले। तो क्योंकि नेक्स्ट टाइम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं, फोर इंट जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और जे लेस देन हाइट तक चलाएंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसे पहले इसके अंदर करते हैं, और इसे भी अब देखिए, अब अगर मैं इस एच में से ये जे सबट्रैक्ट कर दूं, माइनस जे, तो एच है 4, 4 माइनस 0, तो एच में मान के चल रहा हूँ 4 है, तो 4 माइनस 0 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी स्टार 4 टाइम प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। जब नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएगा तो जे प्लस प्लस हो करके जे की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, 1 लेस देन हाइट है, यस है, तो फिर एच में से 1 लेस होगा, यानी 4 माइनस 1 3, तो फिर ये जो 3 टाइम लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक, तो 3 टाइम स्टार प्रिंट कर देगा। ऐसे ही जे प्लस प्लस होगा, फिर 2 टाइम चलेगा, फिर 1 टाइम चलेगा, तो ये हमारा पैटर्न डेवलप करके दे देगा। एक बार रन करके देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। आप इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ये 1 से ही स्टार्ट हो, तो आप इसे 1 से स्टार्ट कर लें, इक्वल टू यहाँ पर ये डाल दें, लेकिन इससे होगा क्या, फिर अगर 1 स्टार्टिंग में ही माइनस करेंगे तो ये स्टार्टिंग में ही 4 माइनस 1 3, यानी स्टार 4 टाइम नहीं आएगा, फिर 3 टाइम आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, हाइट डाली 4 लेकिन स्टार आ रहे हैं 3, जबकि हमें चाहिए 4, तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर +1 कर दीजिए। अब देखिए, अब ठीक चल रहा है। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आप चाहें तो जे को 0 से स्टार्ट कर लें, और या फिर यहां पर +1 करके तब जे को सब्ट्रैक्ट कर लें। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, आई होप कि ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा और ये इम्प्लीमेंटेशन आप इजीली कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।